आज से कई साल पहले दो ऐसे सूर्य योद्धा जो निकल पड़े थे अपने देश को बचाने के लिए। दोनों का शरीर और आत्मा एक ही है और मिशन भी एक ही बन चुका था कि देश को आजाद कराना। लेकिन दोनों ही योद्धाओं के विचार बन चुके हैं एक दूसरे के परम शत्रु। क्या होगा जब दोनों के विचारों को आमने सामने रखा जाएगा? क्या फिर से नई जंग की शुरुआत होगी या फिर जुटलाया जाएगा उन इतिहास के पन्नों को जो आज तक हमने किताबों में पढ़ा था? कुछ भी। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सिनेमा एक ऐसा शब्द जो हमारे सामने विजुअल्स को रखता है। सिनेमा का काम बन चुका है आपके सामने इतिहास के फनों को एक्सप्लेन करना और एक ऐसी दुनिया का वर्णन करना जिसके बारे में हमने आज तक सुना। तो एक मूवी बनी है जिसका नाम है गांधी गोडसे। आज से कुछ समय पहले इसका टीजर आया था, वहां पर हमारे सामने एक चीज टीजर देखने के बाद में एक चीज हमारे सामने क्लियर हो गई थी। या तो ये मूवी किसी एक नई जंग की शुरुआत करेगी या फिर किसी के चरित्र को मिटाया जाएगा। मूवी का नाम है गांधी गोडसे और मूवी बनाने वाले राजकुमार संतोष जी, जिनके 1990 वाली मूवीज देख लो आप कैसी है, काफी अच्छा ग्राफ रहा उनका। मूवी और ट्रेलर एक ही चीज पे डिफेंड हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट बन चुका है इनका कि गांधी गोडसे के बीच में क्या बातचीत होगी। कुमार संतोष जी जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो काफी भारी पड़ सकता है इन पर। या तो एक नया युद्ध शुरू कर सकते हैं ये, क्योंकि एक करेक्टर को इन्हें झूठा साबित करना पड़ेगा। कौन से सूरवीर को गलत साबित करेंगे, क्योंकि दोनों योद्धा का एक ही काम था अपने देश को बचाने के लिए। एक का काम था सही तरीके से लोगों को मनाने का और एक का तरीका था कि ये गलत काम कर रहे हैं। ट्रेलर में सबसे बड़ी और अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगी है जो गांधी जी पे अटैक हो जाता है और उसके बाद में जो न्यूज आती है ना गोडसे के पास कि गांधी जी बच गए, वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। उसके बाद में गांधी जी की तरफ से ऑर्डर आता है कि मैं गोडसे से मिलना चाहता हूं और वहीं पर सभी लोग फ्लैट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यही बनेगा इस मूवी में कि मरने के बाद में उनके बीच में क्या बातचीत होगी। क्या वो देश को लेकर करेंगे बातचीत? ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बात रही होगी जो एक दूसरे बात करेंगे? क्योंकि इतिहास में हमने जो भी पढ़ा है, हमने जो भी सुना उसमें पता है कि गांधी जी को मार दिया गया था, लेकिन ये मूवी एक अच्छा पॉइंट करने जा रही है। लेकिन ये मूवी पर भार भी पड़ सकता है, क्योंकि एक और तो इस मूवी में जब मूवी देखकर बाहर निकलोगे तो आपके सामने दो पॉइंट क्लियर होंगे। एक तो होगा नाथूराम गोडसे सच्चा था या फिर गांधी जी सच्चे थे, क्योंकि दोनों के विचार एक ही है, दोनों का तरीका एक ही था अपने देश को बचाने का, देश को आजाद कराने का। लेकिन एक तरीके से जो गांधी जी करते थे वो भी एक तरीके से हिंसा ही थी। गांधी जी का मानना था कि मारकाट को छोड़ो और लोगों की सेवा करना सीखो, लोगों के साथ व्यवहार करना सीखो। वही जो नाथूराम गोडसे थे उनका मानना था कि जो अंग्रेज है ना उनको जूत मारकर भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इसी के चलते उन्होंने उनको मार दिया था। अब उनको मारने के बाद में क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि नाथूराम गोडसे को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये मूवी ऐसा करने जा रही है जो इतिहास में पहली बार होगा। आज तक हमने कभी भी नहीं सुना कि नाथूराम गोडसे और गांधी जी के बीच में क्या बातचीत रही होगी। अब मरने के बाद में वो क्या बातचीत करेंगे, कौन सा कन्वर्सेशन होगा, वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। तो तैयार हो जाओ इस गणतंत्र दिवस के दिन दो सूरवीर वीरों की कहानी देखने के लिए। एक तरफ तो पठान लड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए और दूसरी तरफ एक नया इतिहास लिखा जाएगा।